बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आप का इंतज़ार ख़त्म, ये हो गया है ड्रेस तैयार, जिसकी मैंने आपको पिछले अपने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि ये मैंने फैब्रिक लिया था लीलन का, और इसके साथ ये मैंने प्लेन मैचिंग की थी प्लेन फैब्रिक की, और ये इसका डिज़ाइन बना है। ये देखें आप, ये ओपन फ्रॉक है लॉन्ग, जैसे कि आपको पता है कि आजकल लॉन्ग ड्रेसेस चल रहे हैं, ये देखें। और ये मतलब ये सेपरेट सेपरेट में है और ये शर्ट जो है ये भी सेपरेट में है सेपरेट और शर्ट, सेपरेट शर्ट है और ऊपर से ये जो है ये मतलब शर्ट जो है वो स्ट्रेट है और ये जो है ये फ्रॉक स्टाइल में है और ये इसकी डिज़ाइनिंग है जो कि आजकल की गर्ल्स के लिए स्पेशली जो है बहुत ज़्यादा इन है। और तो शर्ट का साइज कुछ छोटा है और लॉन्ग, इसके हाँ साथ इसको फ्रॉक को लॉन्ग रखा गया है ताकि इसका ये प्रॉपर डिज़ाइन फील हो कि ये डबल शर्ट बनी हुई है। और इसकी स्लीव्स के बारे में क्या कि स्लीव्स ज़रा चुनट वाले से हैं हाँ, जो ये आगे लॉन्ग स्लीव्स हैं इसके, ये इतने पोर्शन में सारा चुनट आ जाएगी जो आजकल बहुत इन है, और क्योंकि ये विंटर का ड्रेस है तो इसमें बहुत खूबसूरत के लगेगा विंटर में। ठीक है। तो ये ये हो देखिए गया। इसकी, इसके ये अलावा बैक देख रहे हैं इसकी, जो मेरे नीचे सब्सक्राइबर्स भी कह रहे थे जो खाड़ी से मैंने शॉपिंग किया है उसकी स्टिच कलेक्शन शेयर करें तो वो भी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो अब इसको आप रख देते हैं और ज़रा मैं इसको क्लोजली कैप्चर करती हूँ और आपको दिखाते हैं अब अपना नेक्स्ट वन। तो ये नीचे से काफ़ी ज़्यादा फूल जाएगा इस तरीके से। चलो जी, नेक्स्ट आ गया मेरा खाड़ी का ड्रेस। तो ये देखें आप। ये एयरलाइन फ्रॉक है, ये देखें एयरलाइन फ्रॉक है ये, और ये हमने इस पर थोड़ा सा ये गोटे के साथ इसकी डिजाइनिंग की है, ये देखें। ये आपको नज़र आ रहा होगा ये गोटा लगा हुआ है। इसके अलावा इस तरह की एक्सेसरीज मार्केट से बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाती हैं। तो नेक लाइन पर ये ड्रेसें वो डिज़ाइनिंग करके जो है ये बहुत ही खूबसूरत सा टच लग रहा है। तो थोड़ा ये सा ये अभी स्लीव्स पर भी, खाड़ी की लेटेस्ट विंटर कलेक्शन जो लॉन्च हुई थी तो उसमें से मैंने ये लिया था। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा लिया हुआ है तो आप लोग सेम कर सकते हैं। अच्छा, मुझे फ्रॉक्स बहुत पसंद है तो मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि मैं लॉन्ग मैक्सीज और फ्रॉक स्टाइल में बनाऊँ। तो ये तो हो गया खाड़ी का ड्रेस। अब मामा का खाड़ी का ड्रेस भी देख लें। ये ये भी है मामा का, अभी परचेज किया था हमने। ये अभी बता रही ना लेटेस्ट विंटर कलेक्शन में से। और मेरे सब्सक्राइबर्स भी कह रही थी कि आप जो है जल्दी से अपनी स्टिच कलेक्शन शेयर करें जब ये स्टिच हो जाए। तो ये अब ये सूट्स जो है वो स्टिच होके आ चुके हैं। तो ये मामा का है, ठीक है। और ये इस पर जो है इस पर भी ये एसेसरीज जो चल रही हैं आजकल, ये मिरर का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है और ये मिरर वाली बहुत खूबसूरत लग रही है। और मामा की जो है ये सिंपल स्ट्रेट शर्ट है और मेरा फ्रॉक स्टाइल में है। अब नेक्स्ट वन मैक का, अलकरम में, अलकरम स्टूडियो से जो मैक में लिया था। तो इसका भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार था मेरी सब्सक्राइबर्स को। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको वीडियो मेरे चैनल यानी ब्लॉग्स पर आल की वीडियोज़ में जितनी भी मैं शॉपिंग करूँगी उनकी स्टिच कलेक्शन आपको मिलेगी मामा के चैनल पर। तो ये मैंने ली थी कैंब्रिक में शर्ट और इसके साथ स्टॉल भी था। और और ये इतना खूबसूरत ये कलरफुल प्रिंट था कि इसके ऊपर कोई भी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपल ये एयरलाइन शर्ट बनी है और ये इतनी खूबसूरत लग रही। बहुत खूबसूरत सा लग रहा है ये, इसकी ये डिज़ाइनिंग देख लें और ये आप। इसके साथ पे ये स्टॉल भी है ये वाला। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। पहले आप इसको ज़रा अच्छे से देख लें। ये भी अच्छा, ये एयरलाइन में है। इसकी डिज़ाइनिंग ज़रा से मैं आपको बता दूं। और ये मतलब चौक जो है वो इसके ओपन है। और अब आएगा एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस और जिसकी स्टोरी भी आपके साथ मामा शेयर करेंगी। और ये पार्टी वेयर के लिए ये ड्रेस जो है ये मामा का ही ड्रेस है, रेड कलर में और साथ वाइट का टच, लुकिंग वेरी प्रीटी। तो ये देखिए रेड पर ये कितना ज़्यादा उभर रहा है। ये लॉन्ग मैक्सी है, अच्छा, अभी इसकी डिज़ाइनिंग आपको समझाएंगी मामा आप क्या ये है। देखें सबसे ये पहले फुल जी क्या लॉन्ग है, मैक्सी है, और इसका ये घेर देख लें किस कदर ज़्यादा है। ये पूरा एक सूट था जिससे ये मैक्सी तैयार हुई है, और इसके ये गोटा पट्टी लगी हुई है लास्ट में। ओके। सिंपल ये मैक्सी बनी है, फुल स्लीव्स हैं इसके, और ये इसके ऊपर जो अपर है ये नेट का है, फैंसी नेट है ये पर्ल्स, और ये देखें इसमें ये सितारे लगे हुए हैं। और ये नेट कहाँ से मिल जाएगी? ये नेट हमने ओरिगा मार्केट से ली थी, ये कमीज दुपट्टा था तो
इसकी कहानी ऐसे है कि ये शर्ट थी मेरी, इसके साथ का दुपट्टा भी था और शर्ट भी है, दुपट्टा भी है। तो इस शर्ट को मैंने थोड़ा सा रीन्यू किया, थोड़ी सी इसका मेकओवर किया और ये मैंने इसके साथ ये डिज़ाइन किया। इसकी स्लीव्स उतार दी मैंने, स्लीव्स इसकी उतार के मतलब ये इसका अपर बना लिया जो अपर बना आजकल चल लिया। रहा है, और ये देखें यहाँ से ये हुक्स ये लगा कर, ये बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी लग रहा डोरी है। के साथ। और ये देखें ये कमर से आपने जितना इसकी फिटिंग करनी है आप इसको टाइट कर सकते हैं। और ये बहुत खूबसूरत लगता है साइड से नज़र आता हुआ। और ये जो है आप किसी भी फंक्शन में, हल्के फुल्के फंक्शन में ये आप पहन सकते हैं, तो ये आपको जस्ट आइडिया दिया है कि आप भी कुछ रिन्यू कर सकते हैं आपके अगर क्योंकि कोई ये मैंने दो पड़े दफ़ा हों। ये मैं ड्रेस पहन चुकी थी तो मैं अब चाह रही थी कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो, दो दफ़ा पहन लिया है। क्योंकि ये ख़वातीन का थोड़ा सा होता है कि भाई जो ड्रेस हम पहन लेते हैं फंक्शन में दो दफ़ा, तो फिर हम कहते हैं आप तीसरी दफ़ा ना इसको रिपीट करें। तो इसको फिर आप मैंने रिन्यू कर सकते हैं तो इस इसकी तरीके ये से। सारी ये देखें ये सारी इसको ना ये मैंने ये पर्स वाली ये सारी लेस लगाई है, ये इसके शोल्डर्स उतार के मैंने सारा स्ट्रेट कर दिया इसको। और ये मैंने खुद इसकी डिज़ाइनिंग की और इसको मैंने सारा ये ड्रेस मैंने खुद स्टिच किया है। कुछ ड्रेसेस मैं खुद स्टिच जो करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने किया है, बाकी टेलर ने किया, ये ड्रेस मैंने खुद किया था। तो ये इसकी री डिज़ाइनिंग है ऐसे। तो अब आपको डिज़ाइनिंग ज़रा प्रोमिनेंट हो रही होगी, मैं ज़रा दूर से इसको लेती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से है इसकी डिज़ाइनिंग। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर और ममा नेयर पड़ी है हमारी कोई खाड़ी की अनस्टिच कलेक्शन जो अपकमिंग वीडियोस में हम दिखाने वाले हैं, तो वो भी आप ज़रा दिखा दें ताकि सब्सक्राइबर्स को जो है वो पता चल जाए कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से हमारे ड्रेसेस स्टिच होने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक ये खाड़ी का टू पीस है, इसको अभी मैंने ये निकाल के रखा है, अभी इसकी डिज़ाइनिंग करनी है हमने। इसके बाद ये देखें ये है सूट, और एक ये है ये कैंब्रिक में है, वो खद्दर में है और ये कैंब्रिक में है, एक ये येलो कलर का, और ये इसके साथ का दुपट्टा है। अब इसकी जो है डिज़ाइनिंग करनी है, तो जैसे ही ये हमारा ये वाले ड्रेसेस तैयार होंगे, इसके अलावा भी मेरे एक अलकरम का भी मेरा हो रहा है तैयार, और तो जैसे ही ये सारे हमारे ड्रेसेस बाकी के तैयार होंगे क्या हम इसके ऊपर डिज़ाइन करेंगे, इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और आपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि मैं ये वाली ड्रेसेस भी आपके साथ शेयर करूं कि ना करूं, ठीक है। तो इसका तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। और इसके अगर आप जो खाड़ी से जो शॉपिंग की है लेटेस्ट, हमने जो विंटर कलेक्शन आई है उसकी भी और पहले भी, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको मिलेगी मेरे चैनल पे व्लॉग्स फॉर आल पर, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं जहाँ पे मैंने कोड नंबर प्राइसेस वगैरह, आजकल खाड़ी के तो बहुत ज़्यादा जो है खद्दर में और कैम्ब्रिक में रिजनेबल प्राइस में मिल रहे हैं, तो आप लोग वहाँ विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल को। और सॉरी मेरा गला ख़राब है तो मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक से नहीं निकल रही, तो ये वाले एपिसोड्स जो हैं वो अपकमिंग वीडियोस में मिलेंगे। इसके अलावा एक और भी है मामा का, तो वो भी मिल जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को, अब मैंने शॉपिंग तो कर ली अनस्टिच की, अब वो स्टिच कैसे करवाने हैं, असल तो यहाँ पर ये चीज़ आती है ना कि अगर वो स्टिच अच्छे से हुए होंगे, डिज़ाइनिंग अच्छी से होगी, तो वो पहने हुए भी अच्छे लगेंगे और आपको हमारी वीडियो से आइडिया मिल जाएगा कि हमारे जो है किस तरह के हैं, मतलब डिज़ाइनिंग कैसी करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनका डिज़ाइनिंग में माइंड चलता है, वो खुद से सोच के कर सकते हैं, कुछ का नहीं चलता, तो उनको चाहिए होता है कोई आइडिया मिल जाए। तो इस तरह से जिस तरह से एक्सप्लेनेशन आपको मामा देती हैं, तो मैंने बताया कि मामा का डिज़ाइनर माइंड आप कह सकते हैं कि बुटीक स्टाइल, वो खुद ही घर में भी जो है वो पहले बनाती थी, अब टाइम नहीं होता उनके पास, तो आप लोगों को जो है ना वो आइडिया दे दिया करेंगी कि आप किस तरह से जो है वो बना सकते हैं। तो ये देखें आप जिस तरह से उन्होंने इसको इतना खूबसूरत तरीके से जो है डिज़ाइन किया है, तो मेरे भी फ्रॉक्स बहुत सारे पड़े हैं, आप लोग कहेंगे तो आपको दिखाऊंगी जो कि मम्मा ने खुद स्टिच किए थे, तो वो भी बहुत खूबसूरत स्पेशली गर्ल्स के लिए, तो फ्रॉक स्टाइल बहुत और प्यारे इस लगते तरह की हैं। जो नेट है आपको रीगा मार्केट में बहुत ही मतलब मुख्तलिफ डिज़ाइन की आपको मिल जाएंगी। अब यह है कि अब जैसे विंटर है तो मैंने ये मरीना का फैब्रिक लिया है, मरीना के साथ इसकी की है, तो इसी तरह हम जो है वेलवेट के साथ भी नेट की डिज़ाइनिंग करेंगे। और मैं अपना अभी एक तैयार करना है मैंने वेलवेट का सूट, तो उसकी डिज़ाइनिंग भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो
तो बस ये है कि आपके इतने प्यारे प्यारे जो कमेंट्स आते हैं और जो आप दुआएं देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में, और अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि आपकी कुछ हम इसी तरह आपके साथ व्लॉग शेयर करें। और बस अब आजकल मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस ये है कि थोड़ा सा जो है ये लेट हो गई वीडियो। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। से अल्लाह हाफिज़ मामा। अल्लाह हाफिज़।